श्री कृष्ण से जुड़ी कोई बात बताओ। अहंकार तो आपने देखा कि प्रद्युम्न रुकने का नाम नहीं लेता। एक बात प्रद्युम्न शुरू हो जाए तो फिर वो श्लोकों के एक के बाद एक श्लोक प्रद्युम्न के मुखारबिंदु से निकलते रहते हैं। प्रद्युम्न कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो। और कब से आपने भगवान श्री कृष्ण के इन श्लोकों को पढ़ना शुरू किया? 4 इयर्स से। 4 साल से। अच्छा, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ प्रद्युम्न, आप उनका जवाब देना। भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं तो वो कौन से 3 गुण का बात करते हैं? कौन से 3 गुण? माया मेतम तरंदते। मेरी इस 3 गुणों वाली देवी शक्ति से बचना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसे पार कर जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रद्युम्न, बहुत सुंदर। अच्छा प्रद्युम्न, अगर हम ये बताना चाहें आपके मुखार बिंदु से कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संदेश क्या दिया है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तो अहं सर्व पापेभ्यो मुक्षिष्यामि मा शुच। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। वाह, बहुत सुंदर। और हम सब भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि भक्त लोग मुझे क्या अर्पित करें? पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्ति अप्रयच्छति तदहं भक्तिं प्रहितं वश्यामि इति आत्मना। पत्र पुष्प फल तथा जल, कोई मुझे प्रेम से देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अच्छा वाह। अच्छा प्रद्युम्न, आप रोज श्लोक पढ़ते हैं? हाँ जी। कितना टाइम? 2 टाइम। 2 टाइम। आपने किससे सीखा ये? अपने पिताजी से। पिताजी से सीखा? पिताजी रोज करते तो आपने उनके साथ बैठ के सीखा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए कि कौन सा श्लोक आपको उनका सबसे प्रिय लगता है? पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टां धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। अच्छा अच्छा, गीता का पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदाय उत्सव वामकः पांडवाश्चैव किं अकुर्वत सुजयः। दूसरा, दृष्ट्वातु पांडवानि गंभीरं दुर्योधनस्य तत आचार्यं संगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। तीसरा, पश्चेतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महितिं च मुञ्जूराधिपतिपुत्रेण तवशीशेन धीमता। चौथा, अत्र शूरा महिष्वाश्व भीमार्जुना समायुधि युधानो विदाटश्च द्रुपदश्च महारत। क्या बात है, आपने देखा, ये वाकई बालक, ये असाधारण बालक है। ये बालक में मैं कहूंगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जिसके ऊपर कृपा होती है वही इस कलयुग में इतना धारा प्रवाह के होकर बोल सकता है। और 6 वर्ष की आयु में प्रद्युम्न इस तरह के कार्य कर रहा है कि हर कोई प्रद्युम्न को देखकर दंग है। और इसके पीछे जो है उनके पिता की एक बड़ी भूमिका है। उनके पिता जो है वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के श्लोक पढ़ना शुरू किया उन्हीं से प्रद्युम्न ने सीखा। और 6 वर्ष की आयु है प्रद्युम्न की, क्लास फर्स्ट में पढ़ता है, लेकिन प्रद्युम्न जो है वो बिल्कुल अद्भुत है। अच्छा प्रद्युम्न, आप क्या सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में सबसे अच्छा क्या है? सुंदर। भगवान श्री कृष्ण सुंदर है। अच्छा प्रद्युम्न इसके अलावा और क्या करता है? एक तो आप श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक याद करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, इसके अलावा आप क्या करते हैं? संकीर्तन। कीर्तन करते हैं, तो कुछ कीर्तन करके भी दिखा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्या बात है, और क्या अच्छा लगता है प्रद्युम्न को? पंचतत्व मंत्र। वो क्या है जरा वो भी बताइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादी गौर भक्तवृंद। वाह बहुत बढ़िया। अच्छा प्रद्युम्न, आगे बढ़ के क्या सोचा है, क्या करना चाहते हैं प्रद्युम्न? मैं शुद्ध भक्त बनना चाहती हूँ। शुद्ध भक्त क्या होते हैं? एक्सट्रीम डिवोटी। एक्सट्रीम डिवोटी बनना चाहते हो आप भगवान श्री कृष्ण के? अच्छा,
और इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता प्रद्युम्न, कुछ अच्छा नहीं लगता? पापा के साथ कितने समय बैठते हो? कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा, और आपने इतने कम समय में इतने सारे श्लोक याद कर लिए, बहुत बढ़िया प्रद्युम्न, बहुत बढ़िया। और बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रद्युम्न के साथ, ऐसा लग रहा है कि प्रद्युम्न के साथ जो ये सत्संग है, ये मुझे लगता है ये रुकने वाला नहीं है। बाल्य अवस्था में इतना सुंदर पाठ श्री कृष्ण का तुमने किया।